नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोहित। मेहनत की कमाई से आपने करोड़पति बनने के किस्से सुने ही होंगे, लेकिन आज हम आपको किस्मत से करोड़पति बनने वालों की कहानी बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक थाने में तैनात चौकीदार दीपक पासवान के बेटे मुकेश की, जो रातों रात करोड़पति बन गया। आजकल गांव हो या शहर, युवा हो या बुजुर्ग, सभी फैंटेसी ऐप ड्रीम इलेवन पर टीम बनाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें आपके जीतने का मात्र 1% ही चांस होता है, लेकिन कब किसी की किस्मत बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी ही एक खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां समस्तीपुर जिले के बारिश नगर थाने में तैनात कशोर गांव का चौकीदार दीपक पासवान का बेटा मुकेश गांव में रहकर ही खेती करता था, जो अब करोड़पति बन गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश ने बताया कि वह पिछले 5 सालों से ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए खेल रहा है। साल 2017 में उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर 10 और 20 रुपए लगाकर टीम बनाई थी। हालांकि उसे उस समय सफलता नहीं मिली थी, इसके बाद से वो लगातार खेल रहा है। वहीं बीती गुरुवार रात उसने 39 रुपए लगाकर एक टीम बनाई। टीम के सभी खिलाड़ी इस बार चल गए। IPL के मैच खत्म होते ही उसके मोबाइल पर मैसेज आया तो वो दंग रह गया। उसे पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने साथी को मैसेज दिखाया तो पता चला कि वो सच में करोड़पति बन गया है। मुकेश ने बताया कि जीती हुई 2 करोड़ धनराशि में से 30% टैक्स की राशि काटकर बाकी की राशि उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है और अब मुकेश के पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। तो फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।